और हैदराबाद में आज कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई है। इस मीटिंग में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा की गई है और इसके लिए रणनीति भी बनाई गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना रवाना हुए। तेलंगाना जाने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर पलटवार किया। साथ ही सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्रियों के आवागमन और टीएस सिंहदेव की पीएम की तारीफ पर भी अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री जी तारीफ कर चुके हैं, नीति आयोग में तारीफ कर चुके हैं, उस बैठक में तारीफ की, हम लोग सब सारे मुख्यमंत्री उपस्थित थे। ये आरोप लगाने के अलावा क्या है? अभी जो कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं कितने यात्री उसमें चढ़ेंगे भाई? ये सब वो अडानी के लिए सब करने आए हैं, खदान के लिए प्लान भी खरीदेंगे, खदान भी खरीदेंगे। वो ACCL का खदान दिया ना अभी उसी रायगढ़ जिले में गारेपेल में तो दिए। ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे हैं और झूठ बोलते जाएं, ये तो आश्चर्य की बात है।